सुजानपुर बीजेपी एससी मोर्चा की सर्किट हाउस में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक नरेंद्र ठाकुर विशेष तौर पर मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तय करना रहा। बैठक में सुजानपुर क्षेत्र में किस तरह चुनावों में काम किया जाए, इस पर पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई। सुजानपुर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावों के मद्देनजर एससी मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर रणनीति तैयार की गई, ताकि चुनावों में एससी मोर्चा के कार्यकर्ता पूरी सक्रियता से काम कर सकें। और इसमें आगे चुनाव में हमने कैसे तैयारी करनी है, और जो इस वक्त हमें एससी कम्युनिटी का जो साथ मिल रहा है, उसको देखते हुए हमने एक रणनीति तय की है, और उसी रणनीति के तहत हम आगे चुनावों के दौरान इसके ऊपर अमल करेंगे और तैयारी करेंगे। तो ये छोटी सी हमने एक सिर्फ पदाधिकारियों की ही मीटिंग बुलाई थी, और हमने कैसे चुनाव लड़ना है उसके लिए हमने कमेटी का गठन करना था, वो भी कर लिया, तथा पूरे जोर शोर से सुजानपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम आगे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है इस बार कि सुजानपुर में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से अगला इलेक्शन जीतने वाली है।